हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल क्रिएटिव ब्लॉग। फ्रेंड, यहाँ पे हम कहीं जा रहे हैं तो मैं आगे बताती हूँ, इसलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा इस टाइप की वीडियो देखने के लिए। तो आपको अब ना मतलब नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सी आने वाली हैं एंड आप लोग को बहुत अच्छा फील भी होने वाला है वीडियोज़ को देख करके। तो आप लोग अगर आप लोग समझ गए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा एंड मैं जहाँ जा रही हूँ अगर वहाँ पे कोई गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कितनी बार गए हो या फिर नहीं गए हो, प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो ने घर से निकलने के बाद हम मेट्रो में गए थे, उसके बाद हम ट्रेन ली हमने, मेरा ट्रेन में टिकट बुक थी तो स्लीपर्स हैं, ऊपर ऊपर थे ना, मतलब हम नीचे ही बैठे हैं अभी। तो ऊपर ऊपर जो होती है ना स्लीपर, तो आपको पता है कैसी होती है, वैसे थी। तो रात को हम ऐसे सोए थे लेकिन अभी ऐसे बैठ गए थे। तो यहाँ पे हम ट्रेन में बैठ गए हैं। तो ना जो हमने टिकटें जो बुक हुई थी जहाँ हम जा रहे हैं, तो बहुत जल्दबाजी हुई थी इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पैकिंग वगैरह अच्छे से नहीं कर पाई थी, ना ही मुझे मालूम था कि कैसा होता है वहाँ पर जाके, तो उस हिसाब से मैंने पैकिंग नहीं की। लेकिन हाँ, अब मैं सेकेंड टाइम अगर जाऊँगी तो मुझे पूरा पता होगा, अभी फर्स्ट टाइम मुझे पता नहीं था। इनमें से दो लोग हैं जो पहले जा चुके हैं, ये हम और जो हमारे साथ बैठे हैं वो फर्स्ट टाइम था हम दोनों का ही। तो मैंने देखिए बाहर का नज़ारा कितना ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा लग रहा था एंड बहुत मज़ा आया हमें। तो इसलिए फिर बता देते हैं मैं कहाँ जा रही हूँ। सुबह हम जा रहे हैं वैष्णो देवी, तो कौन कौन गया प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड फिर वहाँ पर ना जितनी भी मतलब चढ़ाई है हमें नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि इतनी ज़्यादा होगी। मुझे लगा था कि जैसे नैना देवी होता है ना, नैना देवी हम गए हैं दो तीन बार गई हूँ मैं, मेरे घर के उसी साइड था, मतलब मेरे को पास में नहीं, लेकिन हाँ जब भी हम जाते थे वहाँ जाते थे, कोई भी टूट जाता हमारा स्कूल का, कॉलेज का या फिर जॉब से कोई भी गया है तो वहाँ नैना देवी हम जाते ही थे। तो मुझे लगा था वैसे ही होगा बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा पैकिंग की ज़रूरत नहीं है मुझे। लेकिन वहाँ पर जाकर फिर मुझे पछतावा हो रहा था कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कैसा होगा। तो फिर कोई बात नहीं, फिर मैनेज कर लिया था, हम सब लोग थे ना, तो कोई कुछ तो लेके आया ही था, जैसे कि कंबल वगैरह भी नीट पड़ी थी। तो यहाँ पर वैष्णो देवी के स्टेशन पे आ चुके हैं, क्योंकि पहले यहाँ तक नहीं था ये गाड़ी के आने का, लेकिन अब हो चुका है रेलगाड़ी के आने का। बस हम लोग यहाँ पर स्टॉप ही, तो स्टॉप यहाँ पर आ चुका है वैष्णो देवी का। तो यहाँ पर उतर रहे हैं सब लोग, तो सबको मैंने शूट किया था, फ़ोन मेरे हाथ में है इसलिए मैंने देखी। तो यहाँ पर फिर हम जाने के लिए, कोई जा रहा था, बहुत अच्छे से पैकिंग करनी होती है आपको, ठंडे कपड़े, जैकेटें, सॉक्स एंड बहुत ही कंफर्टेबल शू एंड स्लीपर सब कुछ लेना होता है आपको, ताकि आप कम्फर्टेबली जाके यहाँ पूरा चढ़ाई वगैरह कर सकें। आगे मैं दिखाऊँगी चढ़ाई पर मतलब कैसी होती है, आपको बताऊँगी आगे मैं एंड पैरों का हाल वगैरह सब दिखाऊँगी मैं कैसा हो गया था। तो यहाँ सब जोड़े में आए हुए हैं सबकी, ये सब जो है न्यू मैरिड है, यानी कि सबकी न्यू शादी हुई है अभी हफ्ते के बीच बीच में, लेकिन हम भी पहली बार आए हैं। हम शादी बाद 3 साल शादी हो गई, 3 साल में हम कभी नहीं आए हैं यहाँ, मतलब ना ही वैष्णो देवी आए, ना ही हम बाहर कहीं घूमने गए, नहीं गए हम लोग, बस अपने घर के आसपास मॉल वगैरह में गए थे, हम कहीं बाहर नहीं गए। इसलिए इन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि इन्होंने पहले ही डिसाइड किया था हमारे साथ जाएगी तो आप लोग हमारे साथ चलना। तो फर्स्ट टाइम ये भी जा रहे थे वैष्णो देवी एंड हमारी टिकट इन्होंने ही बुक की थी, बिना बताए बुक कर दी थी। तो फिर जल्दबाजी में पैकिंग की थी, वो भी ठीक ठाक ऐसे ही 2 दिन कुर्ते वगैरह रखे थे, एक तो स्लीपर, एक चप्पल जो एक पहनी है वो स्लीपर, वो भी कम्फर्टेबल नहीं थी, बस ये सब रखा। और वहाँ पे जाकर ना बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली चीज़ें मिलती हैं, 3-4 मतलब डबल रेट में मिलता है। हमें यहाँ पर ना वैष्णो देवी करने के बाद में ना कोरोना का टेस्ट होता है, अगर आपकी सेकेंड डोज लगी है तो ठीक है, उसका भी रिपोर्ट देखते हैं, अगर नहीं लगी है तो बताते हैं। यहाँ पर लगा रहे थे आगे जाके चेकिंग कर रहे, यही देख रहे थे, लाइन में जा रहे थे सब लोग एंड इसके बाद फ्रेंड हम एंटर करेंगे वैष्णो देवी की तरफ, स्टे करेंगे सब मैं दिखाऊंगी। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे जाके ना, बहुत अच्छा फील हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। यहाँ पे पहाड़ देखिए, ये पे ये देखिए पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, ये पहाड़ी है। सवर्णी माता रानी का दरबार है यहाँ पे, तो मैं मुझे दिखा रही थी कि यहाँ से ना जैसे हम एंटर करते हैं ना, वो पार करते हैं टेस्ट वाला, तो यहाँ पे दिखाई देता है माता रानी दरबार सामने से।
पूरी जहाँ से हम जाते हैं ना रास्ता वगैरह वही वो दिख रहा था, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। तो यहाँ पे खड़े होकर आप फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो जहाँ की माता रानी का दरबार आएगा। सो दिख रहा हम लोग उधर से आ चुके हैं, एक तरह स्टेशन पार कर चुके हैं। मेरी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है, हम यहाँ पे जा रहे हैं अब स्टे करने, कोई रूम वगैरह लेंगे, उसके बाद हम बाथ वगैरह लेंगे और कपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद निकलेंगे नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे रूम ले चुके हैं हम, एक ही रूम लिया बड़ा सा, इसमें दो डबल बेड है। क्या मेरे को हमें सोना करना था, हमें तो बस कपड़े चेंज करने थे, नहाना था, मतलब फ्रेशन अप होना था बस। तो यहाँ पे हम एक एक करके, दो बाथरूम थे यहाँ पे, तो पहले लेडीज आ रही थी उसके बाद जेंट्स नहाएंगे। पहले लेडीज सब नहा रहे थे, नहाने गई थी, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी अभी, जस्ट अभी तो हम आए थे। तो देखिए मैं अपने आप को दिखा रही हूँ कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मैंने कुर्ते ही लाए थे सभी, ब्लैक कलर में कुर्ते मेरे पास ज़्यादा ही आ गए, दो तीन कुर्ते ऐसे थे जो ब्लैक में आ गए थे। तो सभी लोग कहते थे ये शुभ नहीं होता माँ माता रानी दरबार पर जाने के लिए, तो आप लोग अपना कोई और कुर्ता पहन लीजिए। तो मैं दिखाऊंगी आगे क्या पहना मैंने। चलिए फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।